नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। महाराष्ट्र के सेना निर्मित पुलिस महानिदेशक जूलियो रेबेरो ने जांच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उनके नाम की वकालत की। परमबीर सिंह द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की जांच का नेतृत्व करने के लिए उनके नाम की वकालत की गई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के पत्र को लेकर महाराष्ट्र में एक राजनीतिक उथल पुथल मची है, जिसमें राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने रविवार को मामले में एक प्रतिष्ठित अधिकारी से गहन पूछताछ की और सीएम को पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबेरो की मदद लेने की सलाह दी। यदि इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पद्म भूषण पाने वाले जूलियो रिबेरो ने मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में काम किया है। वह पंजाब और गुजरात के महानिदेशक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के भी थे। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए पंजाब उग्रवाद के समय में पंजाब पुलिस का नेतृत्व भी किया था, जिसके दौरान उन्होंने सिख आतंकवादियों पर नकेल कसी। लेकिन श्री रिबेरो ने जांच करने से इनकार कर दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा, अगर मुझसे पूछा जाता है तो मैं मना कर दूंगा। कृपया समझे कि मैं 92 साल का हूँ, मेरे पास ऐसी पूछताछ करने की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा, इसके अलावा मुझे गृह मंत्री के खिलाफ जांच का नेतृत्व क्यों करना चाहिए? जांच शरद पवार को खुद करनी होगी, वह पार्टी के प्रमुख हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट, गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 एट दुर्गापुर। एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 9434-8222। पुरुलिया जिला के मान बाजार विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल प्रार्थी संध्या रानी टुड्डू के समर्थन में रविवार को सांसद निधि चक्रवर्ती के पहुंचने पर प्रार्थी संध्या रानी टुड्डू, पुरुलिया जिला तृणमूल के अध्यक्ष गुरुपदो टुड्डू, हुड्डा पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रसेनजीत महतो ने उन्हें फूलों का हार देकर सम्मानित किया। इस दौरान मांगुड़िया गांव में एक स्ट्रीट कॉर्नर के जरिए मिमी चक्रवर्ती ने अपने वक्तव्य में खेला होबे उनेर खेला होबे सबूजी साथी खेला होबे का नारा बुलंद किया। कहा कि ममता बनर्जी ने प्रत्येक लोगों की सहायता के लिए राज्य में कई प्रकल्प चालू किए हैं जो अन्य किसी सरकार ने नहीं किया है और कर भी नहीं सकेगी, इसे आप ना भूले। भाजपा सरकार को मिथ्यावादी करार दिया। कहा कि यह सरकार लोगों को मूर्ख बनाती है, इसलिए इन्हें एक भी वोट ना दे। उन्होंने सभी तृणमूल प्रार्थियों के लिए वोट मांगा। इसके साथ ही मान बाजार प्रार्थी संध्या रानी टुड्डू को भारी मतों से जिताने की अपील की। मान बाजार विधानसभा के बड़ो ग्राम में उन्होंने और एक स्ट्रीट कॉर्नर को संबोधित किया। उसके बाद वह काशीपुर विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार स्वप्न कुमार बेथुरिया के समर्थन में पलाश कोला विद्यासागर विद्यापीठ स्कूल से आदर्श शहर तक एक रोड शो किया, जहां काशीपुर विधानसभा के उम्मीदवार स्वप्न बेथुरिया को भारी अंतर से जीतने का आह्वान किया। पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल उपमंडल में कुलती और बारवनी विधानसभा क्षेत्रों के लिए कांग्रेस व ISF संयुक्त मोर्चा के दो कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। बारवनी में सालनपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र नाथ बागची और कुलती में श्रमिक नेता चंडीदास चट्टोपाध्याय को नामित किया गया है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा होते ही आसनसोल उपमंडल में कांग्रेस का विवाह सार्वजनिक हो गया। रविवार दोपहर कांग्रेस के कुछ जिला और राज्य स्तर के नेताओं ने आसनसोल में एक संवाददाता सम्मेलन में बुलाया और पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती पर गोलीबारी की। कांग्रेस नेताओं ने शिकायत की कि जिला अध्यक्ष ने पैसे के बदले पार्टी उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की थी। इस मौके पर साहिद परवेज, प्रसेनजीत
पुंडिती रविंद्र रणवीर सिंह उर्फ जीतो सिंह, सोमनाथ चैटर्जी, अर्घो दास और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हम बर्दवान जिला के रहने वालों का, तमाम लोगों का ये इज्जत की मामला है। और आज का डेट में अगर हम अपने आप को सही फैसला नहीं ले पाया तो हम लोग 5 साल कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। जिस तरह का बीजेपी पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे देश में किस किस्म का आतंक फैलाकर ये बहुत रौड़ी तरीके से कहती है कि अब की बार मोदी सरकार हर बार हर जगह जब इलेक्शन आता है तो वे चैलेंज के साथ कहती है कि अब 200 बार 150 बार इस किस्म का ये कॉन्फिडेंस से कहती है कि ये कहीं ना कहीं खेल चलने वाला है। और इस खेल से रोकने के लिए हम कांग्रेसी के जो फर्ज होता है कि हम लोग एक सेकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस का आइडियोलॉजी हमेशा रहा है कि फिरका पंथ के खिलाफ आवाज उठाना, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। इसलिए हम तमाम लोग जितने लोगों से हमने भी मशवरा लिया है कि इस बार दिवेश चक्रवर्ती जिस तरीके से बीजेपी से तालमेल करके कांग्रेस को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और हमको लगता है कि अमित चौधरी भी आंख से नहीं कान से देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी गलत मशवरा दे रहा है। लेकिन उनका भी जिम्मेदारी बनता था कि कम से कम हम पूरे फीडबैक निकाले, अगर जिम्मेदारी लिया है तो उसको संशोधन चाहिए कि हाँ सुन में कौन है, कहाँ पर कौन है, यहाँ पर आई को मार्च कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि दिवेश चक्रवर्ती टोटल फिरका परस्त है। यहाँ पर आई को देने का मकसद है कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी को नुकसान पहुंचाना और हम लोगों ने यह फैसला कर चुका है। और हम लोग राज्य में असल खेला जो स्टार्ट होने वाला है, धीरे धीरे खेला शुरू हो गया, हम कांग्रेस का खेला जो स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द हम लोग फैसला पूरी कर देंगे कि हमको किसको समर्थन करा। हम नोटा में वोट नहीं देंगे और आईसेफ भी वोट नहीं देंगे, हम लोग अपने से फैसला करेंगे कि हमको वोट किसको देगा। और हम समझते हैं कि बंगाल को बचाने के लिए मेरे में जिम्मेदारी है और इसे हम कार्य कराएगा। पार्टी का फैसला सही ढंग से किया होगा तो फिर आने वाला दिनों में जो पॉलिसी चल रहा है हर पार्टी हर लीडर अपने अपने तरीके से, हम तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। इंटेक बर्नपुर के ऑफिस प्रांगण में यूनियन के पदाधिकारियों, कर्मियों तथा सेल ISP कर्मियों के लिए एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में विशेषकर विगत 27 फरवरी को हुए NJCS मीटिंग की जानकारी यूनियन के महासचिव सर NJCS सदस्य हरजीत सिंह ने दी। सभी कर्मियों ने जल्द से जल्द वेतन समझौता करने के लिए उनके विचार और आंदोलन की तैयारी के विषय में चर्चा की गई। आगामी 31 मार्च 2021 NJCS की पुनः बैठक नई दिल्ली में होगी और ये आश्वासन दिया गया कि सेल IPS कर्मियों के विचार अनुरूप सभी प्लांट के यूनियन और 5 O यूनियन को सहमति से जल्द बेहतर वेज एग्रीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा कि एकमात्र इंटेक बर्नपुर ही वो यूनियन है जो सभी कर्मियों को लोकतांत्रिक तरीके से उनकी मांग रखने का अवसर देती है और कर्मियों के मांग के अनुरूप उनकी हक की लड़ाई इंटेक लड़ती है। इंटेक संगठन की मजबूती के लिए सर्वमान्य से ये निर्णय लिया गया कि किसी भी डिपार्टमेंट और वहाँ के पदाधिकारी के कमजोर होने की स्थिति में वहां नए समानांतर पदाधिकारी बनाकर संगठन मजबूत किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन पार्टी का समर्थन करने और आसनसोल दक्षिण से जोट उम्मीदवार श्री प्रशांत घोष के समर्थन में इंटर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेकर उम्मीदवार को विजय बनाएगी। सभा के अध्यक्ष श्री विजय सिंह, महासचिव हरजीत सिंह, अजय रॉय, MD अनवर, प्रेम नारायण सिंह, अशोक श्रीवास्तव, अजय दुबे समेत सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। आसनसोल उत्तर थाना स्थित रेल पार्क बाबू तालाब इलाके में सुबह रविवार को जमीन विवाद को लेकर चल रहे मामले में मोहम्मद जलील के ऊपर चॉपर से हमला किया गया जिससे उनके सर एवं हाथ में गहरी चोट आई। परिजनों ने उसे आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इस मौके पर मोहम्मद जलील के पुत्र मोहम्मद जमीन ने कहा कि जमीन मामला बीते 5 सालों से चल रहा है, बहुत बार शिकायत करने के बाद भी दूसरे लोग जमीन पर जोर जबरदस्ती काम कर रहे हैं, शिकायत करने के बाद भी मसले का हल नहीं हुआ। मोहम्मद राजू, मोहम्मद मैनेजर, मोहम्मद आरजू, मोहम्मद बबलू ने रविवार की सुबह जब सामान लाने घर से निकले थे, इन लोगों ने पीछे से चॉपर से उनके सर पर हाथ पर हमला किया। सर एवं हाथ में गंभीर चोट आई है।
उन्होंने कहा कि इसे लेकर थाना पुलिस में शिकायत की गई है। हमारे पूरे परिवार पर जान का खतरा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ कोई ड्यूटी ऑफिसर नहीं है। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सह विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी रविवार को हरिपुर राम मंदिर में अपनी पत्नी चैताली तिवारी तथा सैकड़ों समर्थकों को लेकर पूजा अर्चना किए, भगवान राम का आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार में उतरे। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं हो सकता है। जो अभी राम का नाम नहीं ले रहे हैं उन्हें भी राम का नाम लेना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि दीदी के कुछ एक ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने कहा था कि मेरे पैर तोड़ देंगे और जो राम का नाम लेगा उसका भी पैर तोड़ देंगे। आज तक वो मेरा पैर नहीं तोड़ सके, फिर राम का नाम लेने वालों का क्या पैर तोड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसे दिन आ रहे हैं कि पांडेश्वर के प्रत्येक गली मोहल्ले से जय श्री राम का आवाज गूंजेगा, फिर देखेंगे कितने राम भक्तों के पैर तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद पांडेश्वर के जितने भी बुजुर्गों माँ बहने हैं जो भगवान श्री राम का जन्म स्थली है अयोध्या, जो दर्शन को जाना चाहते हैं उन्हें अयोध्या राम मंदिर दर्शन कराने ले जाएंगे। अभी जो राम नाम का विरोध कर रहे हैं चुनाव के बाद राम के शरण में आना होगा। राम सीता मंदिर में पूजा करने के बाद महिला मोर्चा की नेत्री सोनाली गिरी के घर जाकर दोपहर का भोजन पति पत्नी ने ग्रहण किया। इस अवसर पर उनके साथ मंडल दो के अध्यक्ष परेश घोष, उमेश मिश्रा, विष्णु मोदी, श्याम सुंदर पुर गुप्ता तथा अन्य सदस्य गण मौजूद रहे। बारमनी सादरपुर ब्लॉक अंतर्गत चीटलडांगा और प्रतापपुर गांवों में चुनावी जनसंपर्क तृणमूल से विधायक विधान उपाध्याय। आसनसोल दक्षिण प्रत्याशी के समर्थन में मार्च करते प्रशांत घोष, कांग्रेस की सभा अच्छी थी। नेताजी मूर्ति सुभाष पल्ली शांति नगर में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजीव गांधी, प्रेमचंद मुंशी की प्रतिमा को माला पहनाई गई। क्षेत्र के विभिन्न पुस्तकालयों का दौरा किया गया। विधान चंद्र पुस्तकालय, तरुण सांगा पुस्तकालय, जुलूस इंटक नेता हरजीत सिंह, आशा सिंह मुखर लोगों के बीच एक बड़ी प्रतिक्रिया थी। पुराना हाट, सुभाष पल्ली, शांति नगर, नरसिंह बाग, बर्नपुर टाउन, रामबान क्षेत्र में पैदल लोग थे।
आसनसोल शहर से प्रकाशित, जहां शहर की विभिन्न भाषाओं के कवियों ने अपने स्वरचित कविताओं को पढ़ा। हालांकि बंगाली कवियों को युवा पीढ़ी अपने महत्वपूर्ण संसाधनों को पाठकों और श्रोताओं के सामने पेश करती है। इस अवसर पर कवि सुरजीत सुलेखा पुत्र, अमल बंदोपाध्याय, श्यामल चैटर्जी और कई अन्य लोग उपस्थित थे। काशीपुर विधानसभा के सेवाव्रत मैदान में रविवार को काशीपुर विधानसभा प्रार्थी कमलकांत हांसा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल में परिवार तंत्र का आरोप लगाया, ताकि यहां बुआ भतीजे का राज चल रहा है, जबकि काशीपुर में भी बाप बेटा बेटी का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसे खत्म करना होगा। उन्होंने भाजपा प्रार्थी कमलकांत हांसा को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुंडा राज खत्म करना होगा। रेल मंत्री राज्य सरकार के ऊपर कई व्यंग्य कसे। उन्होंने बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनाने की कई बार कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली एवं बंगाल में दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार होने पर ही लोगों को सुशासन मिलेगा। रेल मंत्री काशीपुर विधानसभा के शिमला में स्थित मैदान में हेलीपैड पर उतरे। वहां से काशीपुर हटालटा सेवाव्रत मैदान में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने उन्हें लोकल ट्रेनों को चलाने की मांग पर एक स्मारक लिपि सौंपी। इस मौके पर काशीपुर केंद्र से भाजपा प्रार्थी कमलकांत हांसा, पुरुलिया जिला भाजपा के अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती, जिला सचिव राजेश चिन्ना, सचिव अब्दुल अलीम अंसारी, स्वप्न चौधरी, सुखदीप प्रमाणिक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कितनी बार बताते हैं कि अलग अलग योजनाएं जो आधी अधूरी पड़ी हैं, उसमें काम तेज गति से करना चाहिए। मैं उनकी पीड़ा और आप सबकी पीड़ा जो उनके माध्यम से मुझे बताई जाती है दिल्ली में, मैं समझ सकता हूं। और मैं समझता हूं जब केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होगी, जब दोनों मिलके विकास का काम करेंगे, जब दोनों मिलके यहाँ पे रोड की सुविधाएं, रेलवे की सुविधाओं को और अच्छा बनाने में काम करेंगे, जब दोनों मिलके यहाँ से गुंडा राज को पूरी तरीके से धन्यवाद अनेक रौद्रोग उपेक्षा करे आपनारा आज के पुरुलिया जिला पुरुलिया लोकसभा प्रिय सांसद तरुण तुर्की नेता सम्मानीय ज्योतिर्मय सिंह महतो महाशय आपनादेर संबल महतो महाशय আপনাদের সবার প্রিয় এই জেলার পর্যবেক্ষক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়, দুজন সম্পাদক এবং এক গুচ্ছ নেতা নেত্রী আপনারা যারা সম্মান, আজকেও একটা কবিতা মনে পড়ে গেল। আল হিদা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কা উদ্ঘাটন। अल हिदा इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन TDB कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा खातून हेना ने किया। इस दिन स्कूल के छात्र द्वारा पौधे लगाकर वन दिवस भी मनाया गया। श्री सैफुल इस्लाम, श्री संजय सिन्हा ने अपने उच्चतम स्तर पर स्कूल पहुंचने की उम्मीद करते हुए भाषण दिए। इंटरनेट पर बच्चों द्वारा प्रेरणादायक गीत, गजलों और भाषणों के बाद वन एक्ट प्ले की भी व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर मोहम्मद साजिद असलम इंजीनियर, स्कूल के MD खालिद उमायार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं सवेरा खातून के आशीर्वाद भरे शब्दों को। सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते की तरगीब देना, सही रास्ते तक पहुंचाना। जब हम सही रास्ते से सफर करेंगे तो ही हमें मंजिल भी उसी तरह की मिलेगी, सही मंजिल मिलेगी। उस कौम के नुमाइंदे हैं हम लोग और उसी विरासत को लेकर आगे बढ़ते हुए आज यहाँ पर इंजीनियर असलम साहब ने जो ख्वाब देखा और खालिद साहब जो उसे अमली ताबीर दे रहे हैं और उनकी पूरी टीम इस काम में जुटी हुई है, मैं सबसे पहले इन तमाम मुंतजमीन को अपनी जानिब से मुबारकबाद देना चाहूँगी। वाकई इन लोगों ने बड़ा ही नेक कदम उठाया है।
और जैसा कि सैफ साहब ने कहा कि जहां पे स्कूल बंद हो रहे हैं वहां पे स्कूल खोलना बहुत हिम्मत का काम है, और इस जवामर्दी के लिए, इस हिम्मत के काम के लिए मैं इन सब को फिर से मुबारकबाद देती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि स्कूल जिसका कैंपस बहुत ही शानदार है, मैं जब यहाँ आई तो मुझे लगा कि वाकई ऐसा होना चाहिए, स्कूल के लिए जो एटमॉस्फेयर है होना चाहिए, जो माहौल होना चाहिए उसके लिए इसी तरह का कैंपस बहुत ज़रूरी है। तो आज ये नन्हा पौधा, ये पौधा जो यहाँ लगाया जा रहा है, ये बीज जो यहाँ पे बोया जा रहा है, यकीनन कल एक बड़े कैंपस की शक्ल में, एक बड़े स्कूल की शक्ल में, और अपने नाम की तरह वाकई नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्कूल की शक्ल में ये पौधा तनावर दरख्त बनकर हमारे सामने खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। हम रहे न रहे, हमारे बाद जो नस्ल रहेगी वो इस बात को महसूस करेगी कि जो बातें यहाँ कही गई थी या जो मकसद, जिस मकसद से ये स्कूल शुरू किया गया था वो इसमें काफी काम है। वरिष्ठ नेता नरेंद्र नाथ बागची बायबनी विधानसभा में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हैं। रूप नारायणपुर निर्वाचन क्षेत्र के वरिष्ठ राष्ट्रीय कांग्रेस नेता और सलानपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ बागची राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से बायबनी विधानसभा संगठन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 27 अप्रैल को होने वाले चुनाव में 7वीं बार चुनाव लड़ा, हालांकि अंत की ओर शाना अपनी उम्र के कारण उम्मीदवार नहीं बनने जा रही थी, लेकिन अंत में पार्टी ने प्रांतीय कांग्रेस नेतृत्व के दिग्गज रैन नाथ बागची पर भरोसा किया। एक समय स्वर्गीय श्यामल मजूमदार और रेनन बागची का राजनीतिक गठबंधन सभी के लिए चर्चा का विषय था, लेकिन अंत में श्यामल बाबू ने कांग्रेस छोड़ दी और सीधे लोगों के हित में जमीनी स्तर पर शामिल हो गए। हालांकि रेनन बाबू ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, उन्हें लोगों के लिए काम करने का अवसर मिला और इसलिए उन्होंने कहा पहले लोगों के लिए रोजगार लाएंगे और फिर विकास होगा, क्योंकि हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने स्ट्रीट लाइटिंग विकसित की है लेकिन पेट में भूख के साथ विकास क्या होगा, इसलिए वह रोजगार पर विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर मंच कसा और कहा कि जिस तरह से भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है और वह कोई और विकास नहीं कर पाएगी, वह काम करेगी और अगर लोग उसे मौका देंगे तो वह लोगों को उनके कार्यों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा रूप नारायण को कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित उम्मीदवार को स्कार्फ और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। चितरंजन कांग्रेस के सचिव जॉय देव रॉय, सालनपुर ब्लॉक कांग्रेस महासचिव उस दिन उपस्थित थे। परेश प्रसाद, बायबनी युवा सचिव सबरजीत सिन्हा, संजीव साई, जिला अध्यक्ष बबलू सूत्रधार और कई और उपस्थित थे। आज का सुविचार। एक बार जब आपको लगता है कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो फिर उन्हें कभी परेशान ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।